दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई ने पहली जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक रिवाइज पेंशन का लाभ न मिलने पर निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है। बैठक में पेंशन के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार से आग्रह किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश की नई सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। जो मासिक बैठक हर माह यहाँ हमीरपुर में होती है हमीरपुर इकाई की, उसमें कल्याण मंच के सभी पदाधिकारियों में भाग लेते हैं। तो हमारी समस्या है, जैसे पेंशन की समस्या है, कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं नए साल की नई सरकार बनने पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि नए साल की भी उनको बधाई हो और सरकार नई सरकार बनने पर बधाई, और सभी कल्याण मंच के और हमीरपुर वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमें संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से दो दो मुख्यमंत्री मिले हैं, इसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूं। अब बात आती है हमारी समस्याओं की, तो समस्या तो सरकारें भी भलीभांति परिचित हैं कि हमारी समस्या क्या है। एक तो हमारा पेंशन का मुद्दा है, पेंशन के स्थायी समाधान का, और दूसरा मुद्दा है हमारा 65-70 वर्ष की जो आयु पूरे कर चुके कर्मचारी हैं उनका मुद्दा है कि उनको भी 5-10-15% की जो है वृद्धि और विभागों की तरह दी जाए। और हमारा जो डीए का एरर पिछला रुका हुआ है 15 से पहले का, और दूसरा 1/16 के बाद जो हमारी रिवाइज पेंशन हुई है उसका एरर जो हमारा, उसका भी भुगतान हमें सरकार जल्दी करने की कोशिश करे, क्योंकि और विभागों को पहली किस्त जो है इसकी जारी कर दी गई है, तो हमारे को अभी तक HRTC के कर्मचारियों को जारी नहीं की गई है। इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें लेकर हम जो है सरकार से आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करेगी। दूसरे कल्याण मंच से की तरफ से एक सजेशन है कि सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे परिवहन मंत्री भी हैं उनसे गुजारिश भी है कि जैसे और विभागों को कोई घोषणा करते हैं, जैसे 2002 से पहले जब भी कोई भी सरकार कोई घोषणा करती थी, डीए की करती थी या कोई भी एरर की करती थी, तो उसमें साथ में जोड़ा जाता था कि ये शर्तें जो हैं HRTC के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू रहेंगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जब भी कोई घोषणा करे या जब भी और विभागों को कोई नई चीज़ दे करे, तो HRTC और निगम बोर्डों को भी साथ में लागू करने करे कि साथ में सरकार ये कहे कि ये शर्तें जो है निगम बोर्डों को भी लागू रहे। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।